हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशबू किचन एंड गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है फूलगोभी, और फूलगोभी को हम लोग कैसे अपनी घर की छत पे इसकी नर्सरी तैयार करके इसे ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स डाली हूँ फ्रेंड्स, और मतलब सीडलिंग टू हार्वेस्टिंग तक का डिटेल्स मैं इसमें डाली हूँ, पूरा अपडेट्स के साथ इस वीडियो को रेडी की हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और तो फ्रेंड्स, फूलगोभी इंडिया की ठंडे मौसम की सबसे ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल होती है, और फूलगोभी का सबसे ज़्यादा यूज़ सब्जी, अचार, पकौड़े आदि बनाने में भी किया जाता है। और अगर इसकी क्लाइमेट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे ठंडी और आर्द्र जलवायु मतलब क्लाइमेट सबसे ज़्यादा अच्छी होती है इसकी ग्रोथ के लिए। और अगर आप इसके टेम्परेचर की बात करो तो इसे 15 to 20 डिग्री का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है इसे ग्रोथ के लिए। इसे गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है फ्रेंड्स, इसलिए इसे विंटर में आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हो अपने घर की छत पे। तो नेक्स्ट बात करेंगे इसकी सीडलिंग के बारे में फ्रेंड्स। तो सीडलिंग इसकी साल में आप 3 बार कर सकते हो। पहला इसका टाइमिंग है June 2nd week to July 1st week तक आप इसे ट्रांसप्लांट कर ले, और सेकेंड टाइमिंग है August 2nd week में पौधे ट्रांसप्लांट कर लेने चाहिए, और थर्ड टाइमिंग है October 2nd week to November 2nd week तक आप इसे इसके पौधे को ट्रांसप्लांट कर लेने चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे हाथ में ये फूलगोभी की सीड्स है जिसे मैं लोकल मार्केट से परचेज करके लाई हूँ। आप चाहो तो इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं जहाँ से आपको ये ईजिली अवेलेबल हो। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं इसके मतलब सीड्स जो होते बिल्कुल ही सरसों के दाने की तरह होते, एकदम छोटे छोटे होते हैं, और इसमें देखिए ब्लू कलर की कोटिंग भी की रखी हुई है। ये कोटिंग इसलिए की जाती है फ्रेंड्स जिससे कि इसमें किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन का अटैक ना हो, मतलब फंगल इन्फेक्शन ना हो जब आप इसकी सीडलिंग करोगे तो। और एक बात आपको मैं बार बता दूं कि ऑलवेज गोभी की जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, उसकी नर्सरी तैयार करके ही उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। और यहाँ पे मैं इसकी सीडलिंग करने के लिए मैं इस तरीके का ग्लास का एक बोल ली हूँ इस टाइप का, और आप चाहो तो सीडलिंग ट्रे का यूज कर सकते हो या फिर छोटे पॉट का भी यूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि आप छोटा ही पॉट यूज करें क्योंकि इसके सीड्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसलिए मैं छोटे पॉट का ही यूज करती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी नॉर्मल सॉइल ली हूँ, और उसमें मैं वाटर डाल के 1 घंटे पहले छोड़ दी थी जिससे कि इसकी मिट्टी में अच्छे से मॉइस्चर बने रहे। ये काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके सीड्स बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मिट्टी को अच्छे से गीली करके रख ली हूँ पहले से ही। आप चाहो तो इसे कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं, उससे भी मतलब अच्छा मॉइस्चर बना रहता है कोकोपीट की वजह से। तो अब हम इसकी सीडलिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं इसके सीड्स को इसके पैकेट से बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके सीड्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इसे मैं 2-3 सीड्स एक ही जगह पे डाल रही हूँ अच्छे से। इस तरीके से आप फैला लें मिट्टी के ऊपर, आपको जितने पौधे चाहिए उससे थोड़े से सीड्स आप ज़्यादा ये सीडलिंग करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सीडलिंग का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसे क्या करूँगी, अपने हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस कर दूँगी जिससे कि इसके सीड्स मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल भी आप इसके ऊपर सॉइल ना डालें और ना ही पानी डालें, क्योंकि मैं पानी बहुत ही ऑलरेडी मतलब अच्छे से डाल चुकी हूँ इसमें। और आपको जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी मतलब ड्राई दिखे तभी आप इसमें पानी डालें। पहली बार आपको इस तरीके से मिट्टी को अच्छे से गीली करना है, उसके बाद आपको जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखे तभी पानी डालें, नहीं तो क्या होंगे कि आपके सीड्स सड़ भी सकते हैं पानी ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए जब भी आप इसकी सीडलिंग करें तो इन सब बातों का ज़रूर से ध्यान दें फ्रेंड, जो मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ। जब इसकी मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी ड्राई दिखे तभी आप इसमें आप पानी डालें, क्योंकि पहली बार आपको इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालकर इस तरीके से इसकी मिट्टी तैयार कर लेनी है। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर से ध्यान दें। और इसकी नर्सरी तैयार होने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है,
तो अब मैं आप सबको इसके आगे का भी अपडेट्स इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर वन मंथ बाद का रिजल्ट, हमारे फूलगोभी की नर्सरी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कि हेल्दी प्लांट हमारा तैयार हुआ है फ्रेंड्स। नर्सरी इसकी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। कुछ कुछ सीड्स हमारे ख़राब हो गए थे, लेकिन बहुत सारे सीड्स हमारे जर्मिनेट हुए हैं। लगभग यहाँ पे हमारे 15 फूल गोभी के प्लांट्स जर्मिनेट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और इतना मेरे लिए काफ़ी है टेरेस गार्डनिंग के लिए। अब मैं इन सब सारे प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करूँगी दूसरे पॉट में या पॉली बैग में, तो उसकी भी अपडेट्स मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक दो दो प्लांट्स हमारे पास जितने भी पॉट या पॉली बैग खाली पड़े थे उसमें मैं ट्रांसप्लांट कर दी हूँ। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे दो दो प्लांट्स को मैं ट्रांसप्लांट की हूँ एक पॉली बैग में, और आप चाहो तो इसे सेपरेट सेपरेट भी ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अच्छा यही होगा फ्रेंड्स कि आप इसे सेपरेट सेपरेट ही पॉट में ट्रांसप्लांट करें, और अगर आप इसे ज़मीन पे लगा रहे हो तो दो पौधे के बीच में डिस्टेंस ज़रूर से बनाएं, जिससे कि दोनों पौधों की अच्छे से ग्रोथ हो सके। और आप जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे एक एक पॉट में दो तीन प्लांट को ट्रांसप्लांट की हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पॉट खाली नहीं था और मैं इन सब पौधों को इमरजेंसी में ट्रांसप्लांट कर दी थी इन सब पॉट के अंदर में। अभी देखिए एक पौधे इस तरीके से गल गए, ख़राब हो गए, तो इसमें अभी एक पौधा हमारा अच्छा चल रहा है ग्रोथ इसका। तो इन सब बातों को आपको हमेशा ध्यान देना है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इसकी मिट्टी तैयार करने के बारे में फ्रेंड्स। तो मिट्टी तैयार करने के लिए आपको चाहिए 50% गार्डन सॉइल, और 40% आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट या फिर पुरानी गोबर की खाद, और 10% आपको इसमें चाहिए सैंड मतलब रेत। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिट्टी को हल्की बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है सैंड से। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर ले, और इसकी पॉटिंग मिक्स इजली तैयार हो जाएगी आपकी। और अब हम बात करेंगे इसकी वाटरिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इसमें इसका पौधे को ट्रांसप्लांट करें तो उसमें आपको तुरंत अच्छे से वाटरिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो पौधे ख़राब हो सकते हैं आपके। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सबको आफ्टर 45 डेज़ बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे फूल गोभी के पौधे में फूल गोभी आना स्टार्ट हो चुका है। अभी काफ़ी छोटी है ये, और धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होगी। तो इस समय आपको एक बात का ध्यान देना है फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप्स अभी बताऊँगी। उस समय आपको क्या करना है कि जो नीचे की लीफ है बेकार की, उससे आप कटिंग करके हटाते रहिए। इससे क्या होता है कि पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। ये सारे टिप्स आप ज़रूर से फॉलो करें। अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये सब करना। और दूसरा देखिए, हमारा फूलगोभी का पौधा देखिए, इसमें मैं दो दो तीन तीन प्लांट को लगा रखी थी फ्रेंड्स, अभी देखिए इसलिए इसमें कुछ पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो रही है। मैं इन सब पौधों को थोड़े से लेट से ट्रांसप्लांट की थी, तो देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। अब हम बात करेंगे इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फूलगोभी की प्लांट से अगर आपको अच्छे फूलगोभी लेने हैं तो उसके लिए आपको मिट्टी में अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है फ्रेंड्स ऑर्गेनिक खाद, पुरानी गोबर की खाद है। और अगर आपके पास पुरानी गोबर की खाद नहीं अवेलेबल है तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें नीम की खल्ली भी डाल सकते हैं। और ये खाद आपको एवरी 15 डेज़ में आपको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप केमिकल खाद डालना चाह रहे हो, अगर आप ज़मीन पे इसे ग्रो कर रहे हो, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, आप इसमें NPK यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हो तो आप उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए भी। अब हम बात करेंगे जब हमारे फूलगोभी के पौधे के ऊपर इंसेक्ट्स का अटैक हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के खाद का यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए आपको नीम की खाद का यूज करना चाहिए। हल्की सी मिट्टी की खुदाई करके आप नीम खाद का या खली का यूज करें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है इससे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारा फाइनल अपडेट्स गोभी का रेडी हो चुका है। हमारी गोभी पूरी तरीके से हार्वेस्ट करने लायक हो चुकी है,
और फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले।